दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके YouTube चैनल पर किसी भी वीडियो पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो आप उसे कैसे परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं, मतलब आप उसे फॉरएवर डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपके वीडियो पर जो कॉपीराइट कंटेंट आया है उसे रिमूव क्यों करना पड़ता है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आपके चैनल पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और उसे हटाने के लिए आप मेल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका जो वीडियो पर से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटता है और आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाता है कि आपको जो आपका वीडियो कंटेंट है तो उसको आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा, और आपको उसे रिमूव करना पड़ता है तो आप कैसे रिमूव करेंगे ये बताऊंगा। और दूसरे मेथड से अगर जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वहाँ पर आपका जो वीडियो कंटेंट है वो ऑलरेडी यूट्यूब की तरफ से यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है, फिर भी वो आपका जो वीडियो होता है तो वो आपका किसी काम का नहीं होता है, तो आपको वो उसे हटाना ही पड़ता है। क्योंकि अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आप पर रहेगा तो आपका जो मोनेटाइजेशन है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी खतरा रहेगा और डिसेबल भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे तो आज के इस वीडियो में आपको सब डिटेल से बताने वाला हूँ। आपको ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, आपको ये लाइव करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से वीडियो डिलीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, मैं हूँ सुमेंद्र मौर्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं इसी तरह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो मोबाइल, कंप्यूटर और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो होती हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, आपको अपने वीडियो के डैशबोर्ड पर आना है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सभी यूट्यूब पर आएंगे, कॉर्नर पर आपको आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर योर चैनल का भी ऑप्शन मिल जाता है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड, डैशबोर्ड पर आने के बाद आपने आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर चले जाना है, यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको वीडियो ऑप्शन पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो वीडियो की लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, यहाँ पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक जो कंटेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर उनकी तरफ से रिमूव कर दिया है, आपको कोई आइकन वगैरह यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप उसको अपने यहाँ से रिमूव कैसे कर सकते हैं परमानेंटली, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपका जो वीडियो दिख रहा है तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं रिमूव करने के। तो पहला ऑप्शन, यहाँ पर आप राइट मार्क करेंगे, जब राइट मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पर बॉक्स में इस तरह से हो जाएगा, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऊपर मोर ऑप्शन का यहाँ पर मेनू दिखाई दे रहा है, तो आपको जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर एक डिलीट फॉरएवर का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर डिलीट फॉरएवर, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी, जो आपकी वीडियो है तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देनी कि जब आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, यहाँ के जो आपके वीडियो है सिलेक्ट वन ही दिखाना चाहिए, ऐसा ना हो गलती से आपसे यहाँ पर ऑल पे क्लिक हो जाए जब आप वहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा वरना आपके जो जितने भी वीडियो हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर वन सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और इस पर आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, तो आपको यहाँ पर मोर एक्शन के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर डिलीट फॉरएवर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो हमेशा के लिए यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, डिलीट फॉरएवर। और दूसरा आपको मैं बताता हूँ आप कैसे यहाँ पर उसको डिलीट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पहले क्लिक करके हटा देना है जो आपका मार्क किया हुआ है, उसके बाद आपको वीडियो पर फिर आना है अपने, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से आपका कंटेंट फिर से दिखेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर जो आपका जो वीडियो है कॉपीराइट की वजह से यहाँ पर रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पर अगर आपका कॉपीराइट भी आता हो, वीडियो रिमूव भी नहीं होता, तो जो आपका यहाँ पर मोनेटाइजेशन अनेबल था तो आपको यहाँ पर इस वीडियो का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, और आपका अगर कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाता तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मोनेटाइजेशन है ऑन रहेगा तभी आपको यहाँ पर कुछ इसका फ़ायदा मिलेगा, जब आपका ऑन ही नहीं होगा तो आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, थ्री डॉट के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलेंगी, जब आपका वीडियो यहाँ पर इजिबल होता है मोनेटाइजेशन ऑन के लिए, तो यहाँ पर आपको इन सारे ऑप्शन को यूज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पर आपका वीडियो कंटेंट है यहाँ पर आपको किसी भी तरह का ऑथराइजेशन नहीं है, अभी आप इसे सिर्फ डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, तो आपको अपने यहाँ से भी इस तरह से डिलीट फॉरएवर पर क्लिक कर देना है, इसके बाद रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, आप दोनों तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक टैब खुल जाएगा, और यहाँ पर आपको ऊपर लिख के भी आ जाएगा कि आप इसे डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप डिलीट कर सकते हैं, ये आपका वीडियो अब परमानेंटली यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है, और आपको उसका क्लिक करने के बाद इस तरह से नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है नहीं करना है, और आपको डिलीट फॉरएवर का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड का वेट करना है,
यहाँ पर जब आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो को डिलीट कर पाएंगे, और नीचे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो वीडियो था वो अभी रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से ही आप अपने वीडियो कंटेंट को जो भी अगर मेल करने के बाद भी आपका यहाँ जो वीडियो है वो स्टैग नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ पर रिमूव इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वहाँ पर मेल कैसे करते हैं, आप कैसे किसी को मेल कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना कॉपीराइट स्टैग किस तरह से रिमूव करें, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बना रखा है। आपको मेरे अकाउंट में लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से ही आप अपना यहाँ पर कॉपीराइट स्टैग सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको ये बहुत जल्दी नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर एक जो वार्निंग मिलती है, तो वार्निंग के बाद आपके जो यूट्यूब चैनल है उसको YouTube की तरफ से किसी भी तरह का एक्शन लिया जा सकता है, आपका चैनल बंद भी किया जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में देनी है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जय हिंद।